शाबाश। अब हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे बेटे, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको लिखाऊंगा भी, राइट? कुछ कुछ चीजें लिखाऊंगा, कुछ कुछ चीजें आपको लिखाऊंगा और समझाऊंगा, समझाऊंगा तो सारी। सो एवरीबॉडी प्लीज वेरी अटेंटिव। आपको पता है साइंस के कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं बच्चे। अगर आपका एक पॉइंट मिस हो जाता है तो आने वाले पॉइंट्स वीक हो जाते हैं। अभी मैंने एक भी पॉइंट नहीं बताया, प्लीज बी अटेंटिव। आपके टेबल पर असाइनमेंट हो, कॉपी हो, पेन हो। पेन अगर डबल कलर के निकल जाए तो अच्छी बात है, रेड और ब्लू, एनी टू कलर्स। इसके बिना कोई बुक वगैरह आपके टेबल पे नहीं होनी चाहिए, नो क्लटर। शाबाश। मेरे पास आपके नामों की लिस्ट है, तो मैं किसी भी बच्चे को माइक पे बुला के क्वेश्चन कर पूछ सकता हूं। तो इसलिए एवरीबॉडी बी अटेंटिव, लिसन बेटे। सबसे पहले ये फिगर देखो आप बेटे। फिगर नंबर वन में मैंने एक स्ट्रेट रोड बनाया है और उसके ऊपर ये बॉय वॉक कर रहा है। क्योंकि ये रोड स्मूथ है इसलिए ये बच्चा आसानी से चल पाएगा, बॉय। और नीचे जो गर्ल को रोड मिला है वो उबड़ खाबड़ है, रुकावट है उसमें। इस गर्ल को जो रोड मिलेगा वो स्मूथ नहीं है। बॉय वाला क्या था? स्मूथ, ऑब्स्टेकल फ्री, रुकावट नहीं है। गर्ल को जिगजैग मिला है, ऑब्स्ट्रक्शंस, ऑब्स्टिकल्स यानी रुकावट। तो हमने क्या देखा कि गर्ल के लिए जो पासेज है वो जिगजैग होने की वजह से रुकावट है। अब मान लो किसी वायर में से करंट जाना हो, वायर है उसमें करंट जाना हो, ये करंट जा रहा है उसमें बेटे, और अगर इस करंट के रास्ते में रुकावट आए, ऑब्स्ट्रक्शन, तब हमने यही वाला सिंबल उठा लिया। हम रेजिस्टर के सिंबल को कभी भी दिखाते हैं ऐसे दिखाते हैं। तो रेजिस्टर क्या है? रेजिस्टर का सिंबल ऐसे जिगजैग होता है, और ये एक ऐसा कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट जिसको हाथ में भी पकड़ा जा सकता है, जो करंट के रास्ते में रुकावट डालता है। ओके, फिर रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस ये है कि मान लो मैंने एक रेजिस्टर ये ले लिया R1, एक रेजिस्टर ये ले लिया R2। तो मैंने नोट करा कि नीचे वाला रेजिस्टर करंट के रास्ते में ज्यादा रुकावट डाल पा रहा है, ऊपर वाला करंट के रास्ते में कम रुकावट डाल पा रहा है। तो जो करंट के रास्ते में रुकावट है, ऑब्स्ट्रक्शन है, वो रुकावट कितनी डाली, उस प्रॉपर्टी को, वो जो प्रॉपर्टी है रेजिस्टर्स की, रेजिस्टर क्या है? कंपोनेंट। उसकी प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। कौन सी प्रॉपर्टी? करंट में रुकावट डालने की काबिलियत। जैसे मैं आपकी क्लास में दो बॉयज को खड़ा कर दूं, गुरप्रीत अमनप्रीत, दोनों बॉयज हैं, लेकिन अमनप्रीत की हाइट है 6 फीट, गुरप्रीत की हाइट है 5 फुट 7 इंच। तो दोनों बॉयज हुए लेकिन उनकी हाइट क्या है? प्रॉपर्टी। इसी तरह से रेजिस्टर क्या है? कंपोनेंट। और इस कंपोनेंट के अंदर एक छुपी हुई है प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? करंट में रुकावट डालने की काबिलियत, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्लियर? बॉय एक चीज है, उसकी हाइट प्रॉपर्टी है। उसी तरह से रेजिस्टर एक कंपोनेंट है, उसकी प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। तीसरी बात,
जब हम किसी बच्चे की हाइट बताते हैं, 6 फुट 2 इंच, 5 फुट 7 इंच, 5 फुट 9 इंच, तो हम लास्ट में देखो यूनिट लगाते हैं फुट इंच। इसका मतलब है वो प्रॉपर्टी ज्यादा है या कम है। करंट में रुकावट डालने की काबिलियत वाली प्रॉपर्टी किसी रेजिस्टर में ज्यादा है या कम है, उस प्रॉपर्टी का लेवल बताने के लिए हमें रेजिस्टेंस की यूनिट सिलेक्ट करनी पड़ती है। जैसे हाइट की यूनिट हमने सिलेक्ट करी, ऐसे ही रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। उस यूनिट का सिंबल ये होता है, इसको इस सिंबल को ओम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई बच्चा बोले सर R1 है, मान लो उसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, तो R2 है मान लो उसका रेजिस्टेंस है 20 ओम, तो क्या नीचे वाला रेजिस्टर ऊपर वाले रेजिस्टर से दुगनी रुकावट डालेगा करंट के रास्ते में? 100% करेक्ट, बिल्कुल सही। तो अगर मेरे को एक शॉर्ट में इधर बोलना हो, R1 नाम का एक रेजिस्टर है, उस रेजिस्टर की एक प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस, अबिलिटी टू पुट ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड दैट प्रॉपर्टी मैग्नीट्यूड इज 10 ओम। उसका लेवल कितना है प्रॉपर्टी का? 10 ओम। अब यहां पर एक और खास बात है, साइंटिस्टों ने रेजिस्टर और रेजिस्टेंस दोनों का सिंबल R ही रख दिया है, कैपिटल R। रेजिस्टर का सिंबल भी कैपिटल R है, उसकी प्रॉपर्टी का सिंबल भी कैपिटल R है, पर प्रॉपर्टी को यूनिट में मापा जाता है। उस यूनिट का क्या नाम है जो ये बताती है कि ये प्रॉपर्टी ज्यादा है या कम है? ओहम। और ऐसे करके उसका सिंबल है। ओके, तो सभी बच्चे लिखेंगे शाबाश, 3 पॉइंट क्लियर हुए, शाबाश लिखो, हरी अप। ऐसे नंबर 1 लिख लो, नंबर 1 लर्निंग पॉइंट, नंबर 1 है ना, रेजिस्टर इज एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। रेजिस्टर इज एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। सेकेंड पॉइंट, सीरियल बनाते जाओ जल्दी जल्दी। रेजिस्टेंस इज दी अबिलिटी ऑफ ए रेजिस्टर। रेजिस्टेंस इज दी अबिलिटी ऑफ ए रेजिस्टेंस कॉमा टू पुट ऑब्स्ट्रक्शन, टू पुट ऑब्स्ट्रक्शन के स्पेलिंग लिख रखे हैं, टू पुट ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थर्ड पॉइंट बच्चे, टू नो द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस अबिलिटी, टू नो द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस अबिलिटी कॉमा द यूनिट सिलेक्टेड बाय साइंटिस्ट, द यूनिट सिलेक्टेड बाय साइंटिस्ट इज, ये लिख दो बेटे जो मैंने बॉक्स में कर दिया, ओहम। ओहम ओहम बेसिकली एक साइंटिस्ट था, उसको रेस्पेक्ट देने के लिए हमने यूनिट बना दी। क्लियर हुए 3 पॉइंट? अब फोर्थ पॉइंट सुनेंगे सारे बच्चे, शाबाश, बैक टू द टेंशन, स्टॉप राइटिंग। देखो बच्चे, टीचर ने इसी के अंदर एक हेडिंग में जोड़ रखा है, नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स। नेटवर्क का क्या मतलब होता है वैसे? जाल।
अब यहां पर नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स, देखो प्लूरल कर दिया, ये क्या मतलब है? ध्यान से सुनना बच्चे। मान लो कभी मैंने ऐसे करके एक रेजिस्टर लगाया आर, दूसरा रेजिस्टर ऐसे लगा दिया आर डैश, थर्ड रेजिस्टर ऐसे करके लगा दिया आर डबल डैश। तो ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जब करंट जाएगा तो ये तीनों मिलके करंट के रास्ते में रुकावट डालेंगे, लेकिन ये तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं। चाहे ये मैं इनको ए और बी को पकड़ के स्ट्रेट लाइन बना दूं, चाहे ऐसे बना दूं, पर एक ही लाइन में आ रहे हैं, इनकी कोई ब्रांचिंग नहीं हो रही। देखो यहां से कोई और नहीं निकल रहा। तो ऐसे नेटवर्क को सीरीज रेजिस्ट नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स बोलते, सीरीज नेटवर्क, करेक्ट। और एक और देखो, मान लो यहां पर एक विलेज है एक्स, यहां पर एक विलेज है वाई, और इस विलेज से उस विलेज तक लोग इस पुल से जा सकते हैं, ये नदी के ऊपर बना हुआ पुल है, और एक्स विलेज से वाई विलेज तक विलेजर्स जा सकते हैं दूसरे पुल से भी, चाहे आर वन पुल ले लें चाहे आर टू पुल ले लें, दोनों पुल सेम मकसद को पूरा करते हैं। सेम मकसद क्या? विलेज नंबर एक्स से विलेज नंबर वाई तक पहुंचने का मकसद, पर्पज इज मेट सक्सेसफुली आइदर थ्रू पाथ आर वन और थ्रू पाथ आर टू। अगर ऐसे तार इ, इ, ऐसे रेजिस्टर्स भी ऐसे लगे हों, करंट ने जाना हो, बिजली के करंट ने एक्स से वाई तक, देखो इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है। हाँ ये अलग बात है, मान लो आर वन में थोड़ा रास्ता पुल का थोड़ा रास्ता करंट को स्मूथ मिलता है, आर टू में ज्यादा अटक मिलती है, लेकिन करंट दोनों ही रास्तों से एक्स से वाई तक पहुंच जाएगा। अगर आपका मन किसी नेटवर्क को देख के ये जवाब दे यस एक्स से वाई तक ये भी रास्ता है, एक्स से वाई तक ये भी रास्ता है, तब ऐसे लगे हुए रेजिस्टर्स को बोलते हैं रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। क्या वर्ड है बच्चे? पैरेलल। पहले कौन सा टीचर ने वर्ड बोला था? यहां पर लिखा नहीं है मैंने, देखे कौन बच्चा बताएगा? सीरीज। इसका मतलब यह हुआ कि रेजिस्टर्स जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो वो तीन तरह के नेटवर्क बना सकते हैं, थ्री बल्कि चार होते हैं, वो फोर्थ वाला हायर क्लासेस में पढ़ोगे आप, तीन तरह के। अभी एक सीरीज वाला, एक पैरेलल वाला, और एक उनका मिक्सचर, मिक्स्ड। बच्चा बोलेगा सर मिक्स्ड बताना कैसे? ये देखो मान लो यहां पर पॉइंट पी है, यहां पर पॉइंट क्यू है, तो ऐसे मैं पी से करंट को लेके गया, उसको ये रुकावट मिली, ये भी मिली एक, ये भी मिली, ये मिलने के बाद ये तीनों एक ही पॉइंट पर पहुंचे, बीच वाले पॉइंट को जेड बोल देते हैं, यहां से फिर ये क्यू तक पहुंच गए। अब ये देखो पी से लेकर जेड तक ये आर वन आर टू और आर थ्री तीनों सेम मकसद को पूरा करते हैं, सेम उद्देश्य को पाते हैं। यहां से भी करंट जा सकता है पी से जेड तक, आर टू से भी जा सकता है, आर थ्री से भी। तो ये तीनों तो आपस में सीरीज में हो गए ना, सॉरी पैरेलल में हो गए, लेकिन उनका जो ग्रुप बन गया पैरेलल में, वो ग्रुप इस आर फोर के साथ आगे एक ही लाइन बना के जा रहा है, तो ये पूरा ग्रुप आर फोर के साथ सीरीज में है। इसका मतलब ये ना तो पी से लेकर क्यू तक, ना तो पूरे सर्किट को प्योरली सीरीज कहा जा सकता है, ना प्योरली पैरेलल कहा जा सकता है, इसको हम बोलेंगे मिक्स्ड नेटवर्क। लिखो लर्निंग पॉइंट, रेजिस्टर नेटवर्क्स आर
रेजिस्टर नेटवर्क्स आर मोस्टली ऑफ थ्री टाइप्स. रेजिस्टर नेटवर्क्स आर मोस्टली ऑफ थ्री टाइप्स. ए पॉइंट में लिखो, ए पॉइंट में बेटे सीरीज नेटवर्क, उसमें ये फिगर बना दो. ए वाले में सीरीज नेटवर्क, जो येलो बॉक्स के अंदर मैंने फिगर बनाया है वो सारा बना देंगे. सीरीज नेटवर्क, नेटवर्क भी लिख देना साथ में बेटे. दूसरा देखो, जिस बॉक्स को मैंने ग्रीन, जो चीज मैंने ग्रीन में लिखी है उसको लिखो सेकंड, ग्रीन बॉक्स के अंदर बी टाइप. पैरेलल नेटवर्क फिगर बना दो. पैरेलल नेटवर्क, थर्ड में लिखो मिक्स्ड नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स, इसके अंदर ये सी वाला फिगर बना दो. मिक्स्ड नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स, ये देखो सियान कलर में जो मैं बॉक्स बनाया, मिक्स्ड नेटवर्क. तीन सारे फिगर बना दो. शाबाश शाबाश, तीनों फिगर बन गए. ए बी सी, आर वन आर टू आर थ्री. अब कोई बच्चा मेरे से पूछे कि सर कैन यू प्लीज क्विकली समराइज अभी तक आपने क्या बताया, तो कम से कम शब्दों में, तो मैं बोलूंगा क्यों नहीं बता सकता. नंबर वन, रेजिस्टर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है जो करंट के रास्ते में रुकावट डालता है, डाउन. उसके करंट में डालने की खूबी को, प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस बोलते हैं, डाउन. उस खूबी को मापने के लिए जो यूनिट सिलेक्ट करा है साइंटिस्टों ने इंटरनेशनली, वो ओहम है. थ्री पॉइंट. फोर्थ पॉइंट, रेजिस्टर्स के नेटवर्क्स की तीन टाइप्स होती हैं मोस्टली, सीरीज नेटवर्क, पैरेलल नेटवर्क, मिक्स्ड नेटवर्क. यहां तक जिन बच्चों को समझ आ गया वो दोनों वेव हाथ ऐसे वेव करके दिखाओ. शाबाश, जिनको यहां तक समझ आ गया बेटे प्लीज, दिस विल बी एन इंडिकेशन. वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश. अब एक चीज हमने एब्जॉर्व कर ली, अब हम आगे चलेंगे. शाबाश शाबाश, अब हम आगे चलेंगे. लिखोगे हल्का सा हेडिंग, कंपैरिजन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल नेटवर्क. कंपैरिजन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल नेटवर्क. शाबाश बेटे, योर अटेंशन. सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे. शाबाश. नंबर वन, मैं यहां पर ए पॉइंट बनाया और यहां से एक रेजिस्टर निकाल दिया, फिर दूसरा रेजिस्टर लगा दिया, फिर तीसरा रेजिस्टर लगा दिया बी पॉइंट. ध्यान से सुनते जाना. फिर मैंने यहां से एक्स पॉइंट लिया, यहां से एक रेजिस्टर ले लिया, दूसरा ले लिया, और यहां से ब्रांच लगा के तीसरा लगे ले लिया वाई तक. फिर मैंने ब्रांच नहीं, सॉरी, बेंड करके वायर. फिर यहां से मैंने पी पॉइंट ले लिया, एक रेजिस्टर ले लिया, दूसरा रेजिस्टर ले लिया, तीसरा रेजिस्टर ले लिया, और यहां क्यू पॉइंट ले लिया, और यहां पर हवा में लटका हुआ एक रेजिस्टर और लगा दिया. ओपन ओपन इन एयर. फोर्थ पॉइंट देखो,
यहां पर मैंने सी पॉइंट ले लिया और एक रजिस्टर लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया और डी पॉइंट लिया, और यहां पर एक मैंने ब्रांच रजिस्टर ले लिया, और ये पॉइंट यहाँ के था, यहां पर मैं डी ले लेता ना, इसको हम एल ले लेते हैं। ये एल पॉइंट ओपन नहीं है, वो भी आगे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, कनेक्टेड टू, ये वाला पॉइंट कनेक्टेड टू अदर वायर। अब ध्यान से सुन लेना मेरी बात, पहले वाला जो फिगर मैंने बनाया है ये वाला सीरीज में है, क्योंकि स्ट्रेट वायर में लगे हुए तीनों रेजिस्टर सीरीज बनाते हैं, एक कनेक्शन यहां लगा, एक यहां लगा, ये सीरीज है। दूसरी बात, अगर मैं इस किनारे से इस रेजिस्टर को ऐसे नीचे मोड़ दूं जैसे कि ये बन गया, तो ये तीनों रजिस्टर अभी भी सीरीज में ही कहे जाएंगे। तीसरी बात, ये तीनों रजिस्टर अभी भी सीरीज में है अगर बीच में कोई ब्रांच रजिस्टर लग जाए लेकिन वो ओपन हो, वो आगे कहीं कनेक्टेड ना हो, हवा में लटका हो, तब भी ये सीरीज में है। अभी ये तीनों टिक वाले सीरीज में है। फोर्थ, ये तीनों रजिस्टर जिनके जिनको टीचर डबल टिक कर रहा है, ये तीनों रजिस्टर सीरीज में लगते हैं लेकिन ब्रांच रजिस्टर आ गया और वो आगे किसी वायर से कनेक्टेड है, जब कनेक्टेड हो जाए तो नॉट इन सीरीज। ब्रांच रजिस्टर कनेक्टेड हो जाए तो बच्चा कह रहा है सर इसको शॉर्ट में बता सकते हो आप, तो मैं कहूंगा रजिस्टर सीरीज में होते हैं चाहे ब्रांच रजिस्टर लगा हो या ना लगा हो, अगर लगा है तो वो ओपन होना चाहिए। देखो, या तो लगा ही ना हो ब्रांच रजिस्टर, या अगर लगा है तो वो हवा में लटका होना चाहिए, तब तो ये सीरीज नेटवर्क है। अगर कहीं ब्रांच रजिस्टर आ गया और वो आगे किसी वायर से कनेक्टेड है, आप कहोगे सर आपने दिखाया तो है नहीं वायर से कनेक्टेड, वो मेरे को भी फोट आगे वायर तो जितनी मर्जी दिखाते रहो पर लिख दिया ना टीचर ने कनेक्टेड टू अदर वायर, तब ये सीरीज में नहीं है। तो कोई बच्चा बोलेगा सर ये दोनों यहां तक तो सीरीज में है ना, यस ये दोनों सीरीज में है क्योंकि इनके अंदर ब्रांच रजिस्टर है ही नहीं, ये दोनों सीरीज में नहीं है क्योंकि ब्रांच रजिस्टर आ भी गया और ऊपर से आगे कनेक्ट भी हो गया, या तो ब्रांच रजिस्टर होता वो हवा में लटका होता, तब हम देखो ब्रांच रजिस्टर है और हवा में लटका हुआ ओपन इन एयर, तब हम इन दोनों को सीरीज में कह सकते हैं। क्या आपको समझ आया सीरीज को कैसे चेक करना है, यस और नो? अगर यस है तो राइट हैंड को वेव करो, राइट हैंड को, अगर नो तो लेफ्ट हैंड को वेव करो, नो है तो लेफ्ट हैंड को वेव कर दो लेफ्ट को, अगर नहीं समझ आए शाबाश तो ये लिख लो फटाफट लिख लो, रजिस्टर्स आर इन सीरीज, जल्दी करो नेक्स्ट पॉइंट सीरियल बनाते जाया करो, रजिस्टर्स आर इन सीरीज इफ, रजिस्टर्स आर इन सीरीज इफ इन बिटवीन, इफ इन बिटवीन देयर इज नो ब्रांच रजिस्टर, देयर इज नो ब्रांच रजिस्टर। नेक्स्ट पॉइंट, शाबाश, रजिस्टर्स आर इन सीरीज इफ इन बिटवीन देयर इज, इफ इन बिटवीन देयर इज अ ब्रांच रजिस्टर हैंगिंग ओपनली इन एयर, अ ब्रांच रजिस्टर हैंगिंग ओपनली इन एयर, अगला पॉइंट, रजिस्टर्स आर नॉट इन सीरीज, रजिस्टर्स आर नॉट इन सीरीज
इफ इन बिटवीन इफ इन बिटवीन देयर इज ए कनेक्टेड ब्रांच रजिस्टर, देयर इज ए कनेक्टेड ब्रांच रजिस्टर, अब सभी बच्चे ये फिगर सारे के सारे फिगर फटाफट बना दो। शाबाश, हरी अप। ग्रीन कलर का फिगर जो है ग्रीन बॉक्स में, वो सबसे जरूरी है, बनाओ जल्दी से बनाओ। जल्दी से बेटे, येलो बॉक्स वाले सारे सीरीज में है, ग्रीन बॉक्स वाले R1 और R2 तो सीरीज में है, लेकिन R2 और R3 सीरीज में नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ब्रांच रेजिस्टर लग गया R4, और वो भी हवा में लटका नहीं हुआ, वो किसी और वायर से जुड़ा हुआ है। लेट्स प्रोसीड फर्दर। शाबाश बच्चे, ध्यान से सुनना अब। शाबाश, मैं इरेज करने लगा हूं कुछ पोर्शन। अब एक नई चीज समझते हैं। देखो देखो बेटे, अगर मैंने इस नेटवर्क में से करंट निकालना हो सीरीज वाले से, तो मेरे को यहां पर एक बैटरी लगानी पड़ती है। बैटरी कैसे लगाते हैं? प्लस माइनस लंबे वाली डंडी, प्लस प्लस माइनस। इस तरह से मैंने तीन सेल ले लिए, आपस में जोड़ दिए, ये लग गया बैटरी। और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाता होता है, बिजली का करंट का सिंबल होता है आई, और नेगेटिव टर्मिनल में करंट आ जाता है पूरे नेटवर्क में घूम के। ओके, और करंट की यूनिट क्या होती है जिसमें इसको मापते हैं? कैपिटल ए से लिखते हैं बेटे, ये भी एक साइंटिस्ट थे, उसको रेस्पेक्ट दिया गया है, एम्पियर। एम्पियर। अब जो मैं इसमें पॉइंट बताना, बहुत ध्यान से सुन। बहुत से बच्चों को एक गलत फहमी होती है, ध्यान से सुनना ये मेरी बात, वेरी इंपॉर्टेंट। वो सोचते हैं कि सर आपने बोला था करंट का काम होता है, सॉरी रेजिस्टर का काम होता है करंट में रुकावट डालना। अगर आपने रेजिस्टर लगा दिया और इधर से आपका 10 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो कुछ रुकावट लगाएगा तो यहां पर कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, मान लो 7 एम्पियर हो गया, क्योंकि रेजिस्टर ने करंट के रास्ते में रुकावट डाल दी। कुछ बच्चे इसको ऐसे समझ लेते हैं, बिल्कुल रॉन्ग। कुछ बच्चे करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ते पढ़ते +2 तक भी पहुंच जाते हैं, वो इस ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब ये समझते हैं कि करंट आया, रुकावट डाली, रेजिस्टर टीचर ने बोला था अगर ये रुकावट डालता है करंट कम हो गया। ये मतलब नहीं, बिजली के करंट को आपने ऐसे मानना है जैसे के नदी में बहती हुई पानी की धारा, करंट का मतलब धारा होता है।
एक विद्युत प्रवाह, एक पानी का प्रवाह। तो सर यहां अटक का क्या मतलब है? आपने तो बोला था ऑब्स्ट्रक्शन है। मीनिंग क्लियर करता हूं, देखो ध्यान से सुनना। यहां से इतनी चौड़ी नदी है, पानी आ रहा है पीछे से, चौड़ी नदी है, यहां से नदी पतली होगी, फिर आगे जाके फिर से चौड़ी होगी। तो हमने क्या देखा? पानी तो वही फुल का फुल जा रहा है, लेकिन जहां से नदी पतली थी, बारीक थी, विड्थ कम थी, जहां पर रिवर का, वहां पर करंट यानी पानी के प्रवाह को निकलने के लिए टाइम ज्यादा लग गया। टाइम, इसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन। इसी तरह से अगर कोई बच्चा बोले सर पीछे से वायर आ रही है, स्मूथ करंट स्मूथली 10 एम्पियर जाएगा, लेकिन यहां पर बीच में रेजिस्टर लगा हुआ है, वहां पर करंट की पासेज स्लो हो जाएगी और बाद में फिर से करंट रहेगा तो 10 एम्पियर ही। तो क्या ये सही है? यस, यहां से करंट फास्ट निकलेगा क्योंकि नो रेजिस्टर, यहां से करंट फिर से फास्ट हो जाएगा, लेकिन जहां पर रेजिस्टर लगा हुआ है वहां करंट की पासेज, बिजली के करंट की पासेज स्लो हो जाएगी, टाइम ज्यादा लगेगा, ना कि करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट सही है? करेक्ट। जिस बॉक्से को टीचर ने व्हाइट कलर का बनाया है वो रेजिस्टर के कॉन्सेप्ट को सही समझा रहा है। जिस बॉक्से को टीचर ने ग्रीन कलर का समझाया है वो रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। ग्रीन वाला रॉन्ग, व्हाइट वाला सही। समझ आ गया बेटे ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब? इफ यस प्लीज वेव योर राइट हैंड, प्लीज वेव योर राइट हैंड। अगर आपको ये समझ आ गया कि ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब टाइम ज्यादा लगना है, वही 10th के बच्चे हाथ ही नहीं हिला रहे। आउट ऑफ कैमरा कर दूं आपको, अगर क्लास तरीके से नहीं लगानी, मैं 10th B को ही पढ़ा लेता हूं, सिर्फ एक हाथ खड़ा करना ही करना है। या तो समझ आ गया राइट हैंड वेव करना है, अगर नहीं समझ आया तो लेफ्ट। मेरा फिर से क्वेश्चन, हैव यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट? यस और नो? ओके डाउन। अब यहां पर ये कॉन्सेप्ट समझाने के बाद असली कॉन्सेप्ट, जब भी सीरीज में लगे हुए रेजिस्टर्स हों तो उनमें सारे रेजिस्टरों में करंट की वैल्यू सेम रहेगी, यानी करंट रिमेन्स सेम इन सीरीज रेजिस्टर्स। कोई बच्चा मेरे को इंटरप्ट करते हुए बोले सर लेकिन एक बात बताओ, ये रेजिस्टर्स अगर अलग अलग वैल्यू के हों, 10 ओम, 20 ओम, 25 ओम, तो उनमें से करंट जब निकलेगा उसकी स्पीड तो कम ज्यादा होगी ना, अलग अलग होगी? आंसर इज यस। कोई बच्चा बोले सर पीछे से मान लो ये वाला करंट 50 एम्पियर का आ रहा है, 550, तो इसमें से भी 50 एम्पियर निकलेगा, इससे भी 50, इससे भी 50, आपका ये मतलब है ना कहने का? आंसर इज यस। क्लियर? तो जब लिख लो सारे पॉइंट, इन व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज करंट वैल्यू रिमेन्स सेम इन ऑल रेजिस्टर्स। शाबाश, लिखो भाई लिखो, मिलने नहीं है किताबों में ये पॉइंट कहीं, सोचो। हाँ ये तो सोका सही है, याद हो गया। व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉमा करंट वैल्यू इन ऑल द रेजिस्टर्स रिमेन्स सेम। एक बात और सुनो, शाबाश, ध्यान से सुनो, जल्दी सुनो, मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक ही बार बताऊंगा अब। बेटे एक बार सुनो, मान लो ये बैटरी है 30 वोल्ट की, 30 वोल्ट, वोल्टेज मापते हैं बैटरी की ताकत को कैसे बताते हैं, वोल्ट में। ये 30 वोल्ट की बैटरी ने करंट भेजा आई इस सीरीज नेटवर्क को, ध्यान से सुनना मेरी बात। बच्चे बोलेगा सर इसकी वोल्टेज गई कहां? मैं कहूंगा
कुछ वोल्टेज की खपत यहां पर होगी, कुछ की खपत यहां होगी, कुछ की खपत यहां होगी। बच्चा बोलेगा सर क्या मतलब? मैं कहूंगा किसान खन्ने, किसान जो है 10 ट्रॉलियां भर के लेकर आया गन्ने की, कुछ ट्रॉलियां गन्ने की शुगर मिल ने ले ली, नाम शुगर मिल वन, कुछ शुगर मिल टू लेगी और कुछ उसने गन्ने का जूस बनाने वाले को दे दी। सभी को अलग अलग वैल्यू दे दी। जितना खन्ना गन्ना खेत से काटा था उतना कंज्यूम हो गया। जितनी वोल्टेज बैटरी दे रही है उसमें से कुछ यहां पर कंज्यूम हो जाएगी, कुछ यहां ड्रॉप हो जाएगी, कुछ यहां ड्रॉप हो जाएगी। उन तीनों का टोटल करेंगे तो 30 वोल्ट के बराबर आएगा। गॉट इट? जैसे गन्ने की खपत अलग अलग शुगर की फैक्ट्रियों में अलग अलग होगी। अब बच्चा कहता है कि सर मान लो ये रेजिस्टर्स की वैल्यू बराबर है, ये भी 50 ओम का है, ये भी 50 ओम का है, ये भी 50 ओम का है, सीरीज में लगे हुए हैं। अगर इन रेजिस्टर्स की वैल्यू सेम है तो इस बैटरी की वोल्टेज भी बराबर बराबर की खपत हो जाएगी, 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट। मतलब किसान अपना ट्रॉली में गन्ना भर के लेकर आ रहा था, तीनों शुगर की फैक्ट्रियां बराबर का रेट देती हैं, बराबर का साइज है, तो उन्होंने बराबर बराबर का गन्ना ले लिया किसान से चीनी बनाने के लिए। बिल्कुल बैटरी ने करंट भेजा। अगर ये रेजिस्टर्स बराबर की वैल्यू के हैं तो इस बैटरी की टोटल वोल्टेज का 1/3 यहां भी ड्रॉप हो जाएगा, यहां भी ड्रॉप हो जाएगा। पर अगर ये रेजिस्टर्स अलग अलग वैल्यू के हैं, जो कि यूजुअली अलग अलग वैल्यू के होंगे, तब ये 30 वोल्टेज का जो ड्रॉप होएगा यहां यहां पर वो 10 10 वोल्ट नहीं होएगा, अलग अलग वैल्यू का आएगा, अनइक्वल वैल्यू का। लिखो शाबाश। इन सीरीज वोल्टेज ड्रॉप्स विल बी अनइक्वल अक्रॉस रेजिस्टर्स। इन सीरीज वोल्टेज ड्रॉप्स विल बी अनइक्वल। फुल स्टॉप। अक्रॉस रेजिस्टर्स लिख दिया, फुल स्टॉप हो गया। अब लिखो दीज ड्रॉप्स कैन बी इक्वल, दीज ड्रॉप्स कैन बी इक्वल ओनली इफ रेजिस्टर्स आर ऑफ सीरीज, रेजिस्टर्स आर ऑफ इक्वल वैल्यूज, सीरीज रेजिस्टर्स आर ऑफ इक्वल वैल्यूज। कोई बच्चा बोले सर यूजुअली सीरीज वाले रेजिस्टर इक्वल होते हैं क्या? अनइक्वल? आपको तो इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, तो यूजुअली ये अनइक्वल होते हैं। तो वोल्टेज ड्रॉप्स सीरीज में रेजिस्टर्स के मुताबिक अनइक्वल हो गए। ये सारा टीचर ने सीरीज के बारे में बताया, लेकिन हेडिंग क्या दिया? कंपैरिजन। इसलिए टीचर को अब पैरलर के बारे में भी बताना है। पर आगे बढ़ने से पहले सीरीज के बारे में एक पॉइंट और नोट करो। लिखो पॉइंट, हेडिंग लिखो हाउ टू फाइंड दी टोटल रेजिस्टर इन सीरीज, हाउ टू फाइंड दी टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज। देखो बेटे, टीचर ने ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक चार रेजिस्टर्स बना दिए, गौर से देखना, पांच बना दिए रादर। अब ध्यान से सुनना मेरी बेटी बात, मैं आपसे पूछूं ए से बी तक टोटल रेजिस्टर कितना है, आर ए बी, अगर सीरीज में रेजिस्टर्स लगे हों तो टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालना हो तो सभी रेजिस्टेंसेस की वैल्यू को ऐड कर दो, आर वन आर टू आर थ्री आर फोर
और R5 सभी को ऐड कर दिया, सारे मिलके करंट के रास्ते में रुकावट डाले। अटेंशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, ये जो आपने वैल्यू निकाली है ए से बी तक, तो करंट आपका ए से बी तक जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है सर। ये वैल्यू तब कितनी होएगी अगर मैं यहां पर कुछ ना लगाऊं, यहां पर एक ब्रांच रजिस्टर लगा दूं, मान लो R- लगा दिया, तो मैं पूछूंगा बेटे ये बताओ ये ब्रांच रजिस्टर ओपन है, ये आगे वायर से जुड़ा हुआ है? बच्चा कहता है ओपन है, हवा में लटका हुआ है। अगर ओपन लगा भी हुआ है तब भी फार्मूला लग जाएगा, अगर इसको मैं ग्रीन ब्लू वाले को हटा दूं तब भी वही फार्मूला लगेगा, क्योंकि ओपन में लगा हुआ रजिस्टर सीरीज नेचर में फर्क ही नहीं डालता। अगर बच्चा बोलता सर मैं एक यहां पर नया रजिस्टर लगा देता हूं ऐसे R-, लेकिन उसको यहां कनेक्ट कर देता हूं कनेक्ट, तो क्या ये फार्मूला लगेगा? तो मैं कहूंगा बेटे फिर तो ये सारे सीरीज में रहे ही नहीं, क्योंकि कनेक्टेड लगने से ब्रांच रजिस्टर अगर कनेक्टेड लग जाता है तो सीरीज वाली नेचर खत्म हो जाती है, जब नेचर ही खत्म होगी सर्किट की तो फार्मूला नहीं लगेगा। इसका मतलब अगर एक दूसरा ब्रांच रजिस्टर लगा भी हुआ है उसकी साइड पे भी यहां ओपन होना चाहिए, हवा में लटका होना चाहिए, अब ये फार्मूला ठीक है। गॉट इट? लिख दो, ये फिगर बना दो और फार्मूला लिख दो, जल्दी करो। फिगर और फार्मूला, एक बच्चे ने मेरे को पिछली क्लास में पूछा सर आपने करंट कैसे दिखा दिया, बैटरी तो आपने जोड़ी नहीं, तो ये अंडरस्टूड है कि बैटरी मैंने यहां से जुड़ी हुई है, वरना मैं करंट दिखा ही नहीं सकता। कहीं से भी वायर कट हो या कहीं से भी वायर कट हो या बैटरी ना लगी हो तो सर्किट में करंट नहीं बह सकता। शाबाश, अब आगे चलते हैं। आई एम गोइंग टू इरेज, अब हम बात करते हैं बेटे पैरेलल की। पैरेलल की सुनो ध्यान से, योर अटेंशन, पैरेलल नेटवर्क होता कैसे है ये मैंने आपको समझा दिया। मान लो एक रजिस्टर लगा है, दूसरा रजिस्टर लगा है, तीसरा रजिस्टर लगा है, उन तीनों का एक पॉइंट भी कॉमन है और उन तीनों का दूसरा पॉइंट भी कॉमन है, तो जो गांव वाले हैं वो एक्स विलेज से वाई विलेज तक इस रास्ते से, इस रास्ते से, इस रास्ते से तीनों से जा सकते हैं। इसका मतलब है R1, R2 और R3 ये तीनों पैरलर में लगे हुए हैं, ये हमने बता दिया था। अगली बात इंपॉर्टेंट सर, अगर मैं यहां पर ब्रांच रजिस्टर लगा दूं R- करके, क्या तब भी ये तीनों रजिस्टर्स पैरलर में रहेंगे? तो मैं पूछूंगा बेटे ये ब्रांच रजिस्टर ओपन है या क्लोज्ड है, क्लोज्ड का मतलब आगे किसी वायर से कनेक्टेड है कि नहीं? बच्चा कहता है सर ब्रांच रजिस्टर ओपन है। अब मेरा आंसर सुन लो, ब्रांच रजिस्टर निकल ना लगा हो या अगर लगा हो ओपन हो तो भी ये तीनों रजिस्टर्स पैरेलल में होंगे। बच्चा कहता है सर डू यू मीन R1, R2, R3 आर इन पैरेलल? मैंने पूछा बेटे कब पूछ रहे हो? कह रहा है सर ओपन ये ब्रांच रजिस्टर मैंने लगाया ही नहीं, तब बताओ पैरेलल में। टीचर का आंसर क्या है? यस पैरेलल में। अब बच्चा कहता है सर मैंने ब्रांच रजिस्टर लगा दिया वो ओपन है, अब बताओ ये तीनों पैरेलल में है, तब भी पैरेलल में।
अब एक और बच्चा आ गया, वो कहता सर मैं ब्रांच रजिस्टर यहां लगा दिया, चलो मैंने इसको कनेक्टेड कर दिया, कनेक्टेड किसी और वायर से, आर डबल डैश लगा दिया। अब बोलो आपके आर वन आर टू आर थ्री तब भी पैरेलल में है? आंसर इज यस। पैरेलल में अगर ब्रांच रजिस्टर कनेक्टेड भी हो तब भी उनकी पैरेललिटी वाली प्रॉपर्टी खराब नहीं होती, लगी रहती। लेकिन सीरीज में मैंने क्या बताया था, सीरीज में अगर ब्रांच रजिस्टर हो और वो कनेक्टेड हो तो सीरीज नेटवर्क की नेचर ही मर जाती है, उसका फॉर्मूला आप लगा ही नहीं सकते। समझ आ गया बेटे हैं? अगर यस तो रेज वेव योर राइट हैंड, वेव योर राइट हैंड, अगर समझ आ तो लिखो फटाफट, फटाफट लिखो जल्दी। द पैरेलल नेचर ऑफ नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स, द पैरेलल नेचर ऑफ नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स रिमेन्स इंटैक्ट, रिमेन्स इंटैक्ट। शाबाश, ये स्पेलिंग है, इंटैक्ट का मतलब होता है कायम रहना। आगे लिखो, नो मैटर वेदर, वेदर के स्पेलिंग ये लिखने, इसका मतलब होता है हाँ या ना। नो मैटर वेदर देयर इज नो ब्रांच रजिस्टर और देयर इज कनेक्टेड ब्रांच रजिस्टर और देयर इज ओपन ब्रांच रजिस्टर, वेदर देयर इज नो ब्रांच रजिस्टर और देयर इज कनेक्टेड ब्रांच रजिस्टर और देयर इज ओपन ब्रांच रजिस्टर। सारे बच्चे फिगर बना लो फटाफट। शाबाश, जल्दी से फिगर बना लो। हरी अप हरी अप हरी अप, जल्दी से। नेक्स्ट पॉइंट, सर अगर ये तीन रजिस्टर आर वन आर टू आर थ्री या पैरलर में लगे हैं तो एक्स से जहां से करंट आया और वाई तक जहां करंट गया, इनके बीच में टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे पैरलर नेटवर्क में? तो ध्यान से सुन लो, पैरलर नेटवर्क में टोटल रेजिस्टेंस आर एक्स वाई निकालने के लिए, ध्यान से सुन लो, अब स्टॉप राइटिंग थोड़ी देर के लिए, ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, ध्यान से सुनो, जो मैं येलो कलर से लिख रहा हूं। वन अपॉन आर एक्स वाई इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन, ये वाला आर वन लगाना पड़ेगा, छोटे वाला, वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। छोटे वाला आर मैंने इसलिए कर दिया ताकि आपका नीचे वाले फिगर से कंफ्यूजन ना हो। ऐसे रेसिप्रोकली ऐड हो जाते हैं और आंसर भी रेसिप्रोकल में आएगा, बाद में उसको स्ट्रेट करना पड़ेगा अपसाइड डाउन, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा डाउन। एक बच्चा कहता है सर यहां अगर आर फोर होता चौथा रजिस्टर तो क्या मैं प्लस वन बाय आर फोर लिख सकता था? यस, जितने मर्जी हो रजिस्टर। गॉट इट? ये क्या था, फॉर्मूला लिख दिया कि नहीं बेटे आपने? सभी बच्चों ने फॉर्मूला लिख दिया या नहीं? अब देखो, ऊपर आपको टीचर ने पैरलर का दिखा दिया, नीचे सीरीज का दिखा दिया। अब एक इंपॉर्टेंट बात, शाबाश ध्यान से सुन लो, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाइट कलर से मैंने इसके साथ में बैटरी कनेक्ट कर दी, व्हाइट कलर से, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, चार सेल लगा दिए, चलो ऐसे जोड़ दिए। पॉजिटिव टर्मिनल लंबे वाले साइड से करंट जाता है, नेगेटिव में उतना ही एंटर करता है। अब ध्यान से सुनना,
इन और बैटरी कितनी है, मान लो 50 वोल्ट की है बैटरी, 50। पैरलर में इस रेजिस्टर को भी 50 वोल्ट मिलेंगे, इसको भी 50, इसको भी 50। क्यों? ये देखो, ये भी बैटरी से कनेक्टेड, ये भी बैटरी से कनेक्टेड, ये भी बैटरी से। पैरलर में वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है, लेकिन यहां पॉइंट पर जंक्शन से जब करंट डिवाइड होएगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि आर वन आर टू आर थ्री अलग अलग वैल्यू के होते हैं यूजुअली। अगर आर वन आर टू आर थ्री अलग अलग वैल्यू के हैं पैरलर में, देन करंट आई वन आई टू आई थ्री अलग अलग होंगे। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो नीचे से आई आ रहा है ना करंट, उसी के तीन हिस्से हो गए हैं, बराबर के नहीं हुए। अगर आई वन आई टू आई थ्री को टोटल करेंगे तो दोबारा से आई मिल जाएगा जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकला। लिखो फटाफट, हरी अप। इन पैरेलली कनेक्टेड रेजिस्टर्स, शाबाश हरी अप। इन पैरेलली कनेक्टेड रेजिस्टर्स वोल्टेज ड्रॉप रिमेन्स सेम, वोल्टेज ड्रॉप्स रिमेन्स सेम, बट करंट्स फ्लोइंग विल बी डिफरेंट, बट करंट्स फ्लोइंग विल बी डिफरेंट। नेक्स्ट पॉइंट, सीरियल नंबर नेक्स्ट। इन पैरेलल करंट्स कैन बी इक्वल ओनली इफ, इन पैरेलल करंट्स कैन बी इक्वल ओनली इफ, ओनली इफ वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टर इन द पैरेलल नेटवर्क, वैल्यू ऑफ द ईच रेजिस्टर रेजिस्टेंस, वैल्यू ऑफ द ईच रेजिस्टेंस इज सेम। कोई बच्चा कह सकता है, सर आपका मतलब ये हुआ कि आर वन और आर टू और आर थ्री जो पैरेलल में लगे हैं, अगर ये इक्वल होएंगे तभी करंट सेम होएगा? आंसर इज यस। अब इतना कॉन्सेप्ट करने के बाद जो जो क्वेश्चन आप असाइनमेंट में घर से करके आओगे, मैं उनका सीरियल नंबर बोल रहा हूं, शाबाश, निशानी लगा लो। आप घर से करके आओगे, फिर अगली बार डिस्कस करेंगे हम। एक तो आप क्वेश्चन करोगे पेज नंबर 3 पर, फर्स्ट पेज नंबर 3 पर, 3 को सीरियल नंबर 3 है क्वेश्चन का, ऐसे सीरियल नंबर 4, सीरियल नंबर 9, सीरियल नंबर 11, सीरियल नंबर 5 भी कर दो बेटे, 5, सीरियल नंबर 13, सीरियल नंबर 16, सीरियल नंबर 22, 14 भी लिख लो, 14। ये वाले कुछ क्वेश्चन आपसे हो पाएंगे, कुछ नहीं हो पाएंगे, आपने घबराना नहीं है, हम इसको मिलकर डिस्कस करेंगे। पर आपने जितना मैंने समझाया उसके हिसाब से क्वेश्चन करने की कोशिश कर। जिन बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया, प्लीज वेव योर बोथ हैंड्स, प्लीज वेव योर बोथ हैंड, ऐसे शाबाश, प्लीज वेव योर बोथ हैंड, थैंक यू, दैट इज अ गुड साइन, थैंक यू, मिलते हैं बेटे।